जब प्रभु जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा उससे पहले भी एक संविधान था, तो क्या जरूरत थी इस संविधान को लिखने की? क्वेश्चन यहां खड़ा है और इसी पे आज चर्चा। साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म हुआ उसके बाद जब वो स्कूल में गए तो उन्होंने उनको एजुकेशन देने के लिए मना कर दिया और उनको एडमिशन एक शर्त पर दिया गया कि वो स्कूल के बाहर बैठेंगे। जैसे जैसे बड़े हुए उनके साथ में बहुत अत्याचार हुए और यहां तक कि जब स्कूल में जाते थे तो उनके बाल बड़े हो जाते थे उनको भी नहीं काटा गया। उसके बाद में जैसे जैसे और बड़े हुए उन्होंने देखा इस देश में जो 85% जनसंख्या है एससी एसटी एंड माइनॉरिटीज उनके साथ में कितना अत्याचार हो रहा है। उन्होंने इस बात को अपने दिमाग में उतारा और देखा इस देश में राजतंत्र है, रानी के पेट से राजा पैदा होता है और वो राजा किस कास्ट के होते थे आप हम सब जानते थे, कोई भी जानते हैं, कोई भी गरीब समाज का था नहीं था। उस राजाओं के यहां पर रजवाड़े में कौन काम करते थे, कौन लोग काम करते थे, हम लोग काम करते थे और वो बादशाह बने रहते थे। बाबा साहब ने देखा कि यदि यही मनुवादी संविधान चलता रहा तो हमारे देश का संविधान बनाना जरूरी है, वरना हमारे देश का इस गरीब दबे कुचले लोगों का विकास नहीं हो सकता। इसी बात को देखते हुए बाबा साहब ने संविधान बनाया जिसमें सबसे पहले सामाजिक भेदभाव को खत्म करने की बात कही, क्योंकि साथियों रोटी तो हम खा लेते हैं, कपड़े भी पहन लेते हैं, यदि आदमी को रोटी दे दी जाए और कपड़ा भी दे दिया जाए और उसका सम्मान ना हुआ तो बेकार की बात है। जब देखा बाबा साहब ने कि देश में बहुत विषमता है तो इस 85% लोगों को कैसे सम्मान दिया जाए, कैसे नौकरी दी जाए, कैसा, तो उसके लिए आरक्षण दिया। लेकिन जितनी लड़ाई इस देश के लिए, इस समाज के लिए बाबा साहब ने लड़ी और हम लोग उस आरक्षण को प्राप्त करके यहाँ पे कोट पैंट पहनकर आगे बैठ गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, क्या आप अपने सच्चे दिल से बताओ क्या हम भी बाबा साहब के एहसान के लिए कुछ काम करते हैं? यदि करते हैं तो वो मेरे भाई हाथ उठाकर बताओ तो हम ये काम करते हैं। देखो कितने सारे बैठे 5-7 आदमी का हाथ उठे। असलियत में कहानी क्या है, बाबा साहब ने संघर्ष किया कि भाई आरक्षण दो और आरक्षण लेकर नौकरी पा गए और नौकरी मिलते के साथ सबसे पहले कहां जाते हैं, मंदिर में माता जी के वहां पे। साथियों एक गांव में चोर आ गए, 2 मिनट बस, एक गांव में चोर आ गए, भैंस को खोल लिया, भैंस को लेके चल दिए तो भैंस के गले में घंटा था, वो हमने सोचा चोर ने भाई इधर तो सब भैंस को लेके साथ में चलेंगे तो सब लोग जाग जाएंगे, एक आदमी दिमागदार था घंटा लेकर दूसरी तरफ चल दिया, चल किया हुआ मंदिरों में गए उसने भगा दिया, भाई क्यों जा रहे हो, भाई क्यों जा रहे हो, बाबा साहब ने कहा कि मंदिरों में जाओगे तो अंधविश्वास मिलेगा, तुम्हारा डिमोशन होगा और स्कूल में जाओगे तो परमिशन होगा। लेकिन साथियों फिर भी हमारे लोग वहां पे जाकर घंटा बजाते हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। और साथियों जितने भी यहाँ पे ये हमारे समाज की क्रीम बैठी है, मैं उनसे भी एक निवेदन करूंगा कि हमारे समाज में गरीब तबके का समाज है, बहुत कुरीतियां फैली हुई हैं। साथियों सच्चा बाबा साहब का मिशन हम तब मानेंगे तब हम अपने गरीब समाज में बैठ के जो हमारे समाज में बुराइयां हैं उनको खत्म करने की बात करेंगे। क्योंकि यदि एक टीचर, यदि एक बच्चे को उसके पिताजी जो कहते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ लो तो कम मानेगा, यदि टीचर कहेगा तो ज्यादा मानेगा। आप लोग अपने लोग समाज में जाकर बात करेंगे कि भाई 3 चीज है, शराब छोड़ दो, ताश खेलना छोड़ दो और एजुकेशन पे चल दो, तो साथियों हमारा देश का जब भी उद्धार होगा, वरना बाबा साहब ने हमारे लिए कितनी लड़ाई लड़ी ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। साथियों इस कुरीतियों को मिटाने के लिए हमें समाज की कुरीतियों को भी भुलाना पड़ेगा और आप लोगों को जो दबे कुचले लोग हैं जिनकी जिस समाज में से निकल के आए हैं उनमें भी मिलना पड़ेगा। क्या मेरी बात से राय वो रखते हैं, सहयोग? और साथियों अभी जो पीछे इलेक्शन हुआ बहुत झूठ बोलने वाले हमारे देश में आगे और बहुत झूठ बोला और हमारे लोग बहकावे में आगे, उस गंदगी को मिटाने के लिए फिर के 2019 का
इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन के लिए साथियों कल वोट बनाने की लास्ट डेट है। खाया तभी हो सकता, अपने अपनी वोट बनवा लेना, वोट चाहे कहीं भी देना। जय हिंद, जय भारत। Thank you.